नगर परिषद मंडी की अध्यक्षता नीलम शर्मा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। बता दें कि नीलम शर्मा कांग्रेस समर्थित है और अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद समीकरण भी बदल गए हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही नीलम शर्मा ने अपना पद छोड़ दिया है। नगर परिषद मंडी की बैठक के दौरान नीलम शर्मा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। नीलम शर्मा ने माना कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के कारण परिस्थितियां बदली हैं। ऐसे में सभी पार्षदों के बीच आपसी भाईचारा बना रहे, इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 साल से मैं नगर परिषद अध्यक्ष हूँ और 2 साल से हम जितने भी मेम्बर्स हैं फैमिलियर हो गए हैं। जैसे फैमिली है उसी तरह हम काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। तो उसी अब नई सरकार आई है तो नई सरकार के समीकरण भी अलग होंगे, तो उसके ये देखते हुए हम देखते हैं कि लोगों पे प्रेशर ना पड़े, हमारे जो पार्षद हैं उनको मेंटली प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े, इसलिए मैं इस कुर्सी से त्याग पत्र इसलिए दे रही हूं ताकि जो हमारे विकास के कार्य हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े और कोई जो भी हमारा आपस में सामंजस्य है वो बरकरार रहे। नगर परिषद के अधिकतर पार्षद अगला अध्यक्ष सर्वसहमति से चुनने की बात कह रहे हैं। बता दें कि भाजपा समर्थित सुमन ठाकुर अध्यक्ष पद की सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही हैं। सुमन ठाकुर लगातार तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं और मौजूदा समय में भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं। सुमन ठाकुर सीएम जयराम ठाकुर की काफी करीबी हैं, ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय ही है। नहीं, हम सर्वसम्मति से उनको चुनना चाहते हैं ताकि हमारा जो मंडी नगर परिषद है की मिसाल बन सके। जो हमने 2 साल तक जो आपस में हम मिलके रहे हैं वैसे ही हम आगे भी 3 साल इकट्ठे होके काम करना चाहते हैं और जो हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं, जो हमारे प्रोसेसिंग में है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा हम सब मिलके उन कामों को सुचारू रूप से पूरा करेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि 5 सालों में जो हमने काम शुरू किए हैं वो 5 सालों का काम पूरा कर देंगे। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं रहा है, मैंने कोई अकेले काम नहीं किया हुआ है, सभी पार्षदों ने मिलके हाउस में पास किया है, हाउस की सहमति से सारे काम हुए हैं। तो आगे भी जो काम होंगे वो अकेले किसी के बस के नहीं है, वो सबके बस के हैं, सब इकट्ठे होकर हम वो काम पूरा करेंगे। उल्लेखनीय है कि अनिल शर्मा के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही यह तय हो गया था कि नगर परिषद मंडी पर से कांग्रेस का कब्जा समाप्त होने वाला है, क्योंकि अधिकतर पार्षद भी अनिल शर्मा के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ होता उससे पहले ही उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया।